नमस्कार मु गायत्री। स्वाधीनता पूर्वर तो अनेक महाराजा इतिहास संपर्क में आपण शुणी पाठ्यपुस्तक अनेक महाराजा संपर्क में पढ़ी हेले देश में गणतंत्र प्रतिष्ठा हेबा परे जो महाराजा सबुठ चर्चा रहिले ताहा हेला एयर इंडिया। एमिति एक समय शुभारंभ होता जेतेबेले भारतीयों पर रेलयात्रा स्वप्न थिला। समय सह यह देखी अनेक परिवर्तन टाटा द्वारा आरंभ होता यह एयरलाइंस को परवर्ती समय भारत सरकार निजर करिने ले सेबेठु एहा भारतर एक अभिन्न परिचय पलटिला। हेले एमिति समय आसिला एही महाराजा गरीब होइगले कहिबार अर्थ क्षतिरे चलिला एयर इंडिया। सरकार एहाकु बिक्री करिबा नै प्रक्रिया भी आरंभ कले। रोचक हेला एहाकु आउ केही नुहे पुणी थरे टाटा ही निजर करिनैछंती। खास सेति पई एबे समस्तंक मुहरे सेही गोटिए कथा बाहुडिले महाराजा। सतसठी वर्ष प्रतीक्षार अंत महाराजा घर बाहुड़ा टाटा कोल को फेरिला एयर इंडिया। यही घटना जेतिकी रोचक सेतिकी रोमांचकर। सरकारी प्रक्रिया शेष होबा सह एयर इंडिया मालिक होइछि टाटा सन्सर सहभागी कंपनी एमएस टालिस प्राइवेट लिमिटेड। गत अक्टोबर मासरे एयर इंडिया शत प्रतिशत अंशधन को 18,000 कोटी टंका निलामे जीतिथिला टाटा ग्रुप। आउ 2022 जानुरी शेष पूर्व कंपानी एयर इंडिया को संपूर्ण हाथ को नहीं तो भारत आउ निजस्व विमान कंपानी नथिबा स्पष्ट होइछि। तेबे केमिति थिला महाराजा घर बाहुड़ा प्रक्रिया आसंतु नजर पकाइबा। सबु कल्पना जल्पनार अंत टाटा कोलोकु फेरिले महाराजा। सरिला समस्त अधिग्रहण प्रक्रिया। टाटा पाखकु गला एयर इंडिया रो मालिकाना। महाराजार नुआ मालिक हेले टाटा। टाटा पई एहा कोनोसी स्वप्न थारु भी कम नुहे। 67 वर्ष पूर्वरु जो साथी तांको थारु विदाय नै सरकार को पाखकु चली जाइथिला आज पुणी थरे से फेरी आसीछि। एमिति साथी जहा सह जोड़ी हुई रहीछि टाटार अनेक स्मृति। महाराजा घर बाहुड़ा विधिवत भाव टाटा कोल को फेरिले। सरिला समस्त सरकारी प्रक्रिया। पुराणा पैलेस को फेरिले महाराजा। हाँ आपण ठीक शुणुंट टाटा संस अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और प्रधानमंत्री औपचारिक भेटघाट पर शेष हो सरकारी प्रक्रिया। एयर इंडिया जाइए टाटा ग्रुप निकट को। टाटा ग्रुप रो शाखा कंपनी एमएस टालिस प्राइवेट लिमिटेड होइछि एयर इंडिया रो नुआ मालिक। निवेश एवं सर्वसाधारण संपत्ति परिचालना डीआईपीएम सचिव तुहिनकांत पांडे एहा घोषणा करिछन्ते। महाराजा को फेरी पाइबा परे टाटा ग्रुप रो खुशी कहिले न सरे। खास सेति पाई तो एयर इंडिया को हस्तांतरण समस्त सरकारी प्रक्रिया शेष होबा परे खुशी प्रकाश करिथिले टाटा सन्स अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन पांडे। एयर इंडिया को फेरी पाई केवल खुशी प्रकाश करिछन्ति ता नहि एहा को विश्वस्तरीय करिबा नै प्रयास मध्य आरंभ करि देलेनि। फैसिलिटीज हैव बीन कंप्लीटेड। द एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड। द शेयर्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द टैलिस व्हिच इज अ सक्सेसफुल बिडर। कंसीडरेशन अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड and so now the new owners are the Thales. We are totally delighted that this process is complete and very happy to have Air India back in the Tata group. We look forward to working with everyone to create a world class airline. देवालिया होई पड़िथिबा देशर एकमात्र सरकारी विमान कंपनी को शत प्रतिशत बिक्री करि देबाको गत वर्ष निलाम डाकिथिले सरकार। गत वर्ष अक्टोबर मासरे टाटा ग्रुप 18,000 कोटी टंकारे निलाम जितिथिला। डिसेंबर सुधा हस्तांतरण शेष होइबो बोली सेतेबेले कुहा जाइथिला। तेबे विभिन्न पर्यायरे प्रक्रिया पाइ किछिटा विलंब होइछि। जानुरी शेष पूर्वरु किंतु टाटा हाथ को जाइछि एयर इंडिया।
चुक्ति होइतिबा 18000 कोटी टंकारो 2700 कोटी टंका कंपनी सरकार को दैछे बाकी 15300 कोटी टंका एयर इंडिया रो ऋण थिबा बले टाटा ग्रुप ताहाकू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थरो ऋण माध्यम रे सुजिबो एयर इंडिया रो 100% अंशधन को टाटा सन्स रो एमएस 40 प्राइवेट लिमिटेड 18000 कोटी टंका रे किनिछे जहां मधरे रहिछे ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड रो 50% अंशधन गत वर्ष अगस्ट शेष सुधा एयर इंडिया 61652 कोटी टंका बकेया रहिथिला तेबे एही बकेया मध्यरो 15300 कोटी टंका टाटा सन्स बहन करथुबा बेले बाकी 46262 कोटी टंका एयर इंडिया असेट्स होल्डिंग कंपनी AIAHL को ट्रांसफर करिछंति सरकार एयर इंडिया पई सरकार ए स्पेशल पर्पस व्हीकल गठन करथिले एबे एयर इंडिया दिन को 20 कोटी टंका क्षति रे चालुछे गत 10 वर्ष मध्ये सरकार एयर इंडिया को 1.10 लाख कोटी टंका देथिले किंतु देवालिया रो मुकुलेई पारि नथिले जेउति पई 100% बिक्री करि देबाको निष्पत्ति नैथिले 1932 मसीह सेतेबेलर टाटा ग्रुप अध्यक्ष तथा वर्तमान मुख्य रतन टाटा बापा जेआरडी टाटा ए बीमार कंपनी आरंभ करते यार ना थिला टाटा एयर सर्विसेस 1946 नाम परिवर्तन होई एयर इंडिया होता तेरे 1953 मसीह जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थी बेले भारत सरकार टाटा पाखु विमान कंपनी को किनते 1977 मसीहा जाए जेआरडी टाटा ही थे एयर इंडिया अध्यक्ष वर्तमान कंपनीर 141 विमान थिबा बेले सेथिमधुर 69 निजर ओ 42 लीज रे रहिछि टाटा सन्स पुणी उड़ाजहाज व्यापार करने को मन बढ़ाई 2001 रे एयर इंडिया को फेरई ने सरकार इच्छा प्रकट करता किंतु पूंजी प्रत्याहार पर सरकार मना करदे क्षति में चलुवा एयर इंडिया कंपनीर 76% अंशधन बिक्री करने को 2018 सरकार उद्यम करते कि आग्रह देखा पर संपूर्ण बिकिदे 2020 डिसेंबर मसने विज्ञप्ति प्रकाश करते निलाम पर 4 कंपनी आवेदन करते कि टाटा सन्स और स्पाइस जेट्र अजय सिंह मध्य ही होता टक्कर निलामर मूल डाक 12906 कोटी टंका धार्य करते सरकार और शेष में 18000 कोटी टंका जीतिला टाटा सन्स 67 वर्ष पर एयर इंडिया होइछि घर बाहुड़ा टाटा ग्रुप एयर इंडिया को किनिथिले मध्य दिल्ली बसंत विहार रे थिबा एयर इंडिया हाउसिंग कॉलोनी एवं दिल्ली और मुंबई नरीमन पॉइंट रे थिबा एयर इंडिया बिल्डिंग को पाई नहीं तेरे पूर्व घोषणा अनुजाई एयर इंडिया कर्मचारी को निज ग्रुप नहीं टाटा सन्स चुक्ति अनुजाई वर्तमान किसी वर्ष पर एयर इंडिया ब्रांड ही उड़ा विमान कंपनी सुपरिचालना टाटा ग्रुप नुआ बोर्ड गठन कर सरकार हाथ एयर इंडिया आसवा पर नुआ बोर्ड तरह प्रथम बैठक कर एयर इंडिया सुपरिचालना प्रारंभिक रणनीति प्रस्तुत आरंभ हो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया भारत एकमात्र सरकारी एयरलाइंस थिला एयर इंडिया प्राय अधिकांश रूट्रे अंतर्जातीय और घर उड़ाण करुला सबुठ बड़ कथा है विमान सेवा क्षेत्र में भारत आग को बढ़ी चली तथापि कहीं एयर इंडिया को बिक्री करदे भारत सरकार केमिति देवालिया प्राय स्थित को चली आसला एक लाभदायक उद्योग कौन थिला यार कारण आसतु नजर पकाइबा केमिति बिगड़ी गला एयर इंडिया रो हाल देवालिया प्राय स्थित को केमिति आसला लाभदायक कंपनी रो एमिति अवस्था हैला केमिति भारत रे एकमात्र सरकारी एयरलाइंस थिला एयर इंडिया प्राय अधिकांश रूट्रे अंतर्जातीय घर उड़ाण करुला कहवाक गले एयर इंडिया रे ही आकाश रे उड़ाण भर आरंभ कर भारत खास आज एत एयरलाइंस रही एयर इंडिया पर सबुबले भारतीयों मनरे रही स्वतंत्र स्थान हेले प्रश्न उठू दिने जो एयर इंडिया लाभदायक स्थित एमती अवस्था को कहीं आसला जे एंशधन फेर सरकार आउ यह टाटा पाख को पुणी फेरीगला 2018 मसीह सरकार यह प्रथम करी बिक्री करने को निष्पत्ति ने कारण थिला यार आर्थिक स्थिति जहाँकि पूरा पूरी बिगड़ी सारी प्राय 10 वर्ष है क्षति में चलुला एयर इंडिया एक प्रकार सरकार को ऊपर बोझ पलटि एयर इंडिया किभली क्षति में चलुला आपण अनुमान लगे पारती 2017-18 5348 कोटी
2018-19 8556 कोटी 2019-20 7982 कोटी हाँ आपण ठीक देखुछंती किछि एभली भावरे वर्ष वर्ष हेला क्षतिरे चलेछि एयर इंडिया आ गत 2 वर्ष हेला कोरोना जोगुं विमान सेवा तो एक प्रकार ठप हेले एक क्षति 2017 नुहे बहु पूर्वरु जारी रहिथिला कहिबाकु गले 2007 मसीहारे जेबेठारु एहा इंडियन एयरलाइंस सह विलय कला सेबेठु लाभ करि पारिनि 2020-21 आर्थिक वर्षरे कोरोना जोगुं एहार क्षति 10,000 कोटी टंकारे पहुँचि सारलाणि तथ्य चिंताजनक केवल सेतिक नुहे एहा जणैबाकु जथेष्ट काहिंकि एही धळा हाथी ठारु दूरेबाकु निष्पत्ति नेले सरकार 2007 परठु महाराजांक क्षति हेबार धारा आरंभ होइथिला जेबेठु एहाकु इंडियन एयरलाइन सहित मिसै दियागला एमिति क्षति जहाँ वर्ष को वर्ष एमिति बढ़िला जे कमिबार ना नेलानि एयर इंडिया देवाळिया स्थिति को चली आसीबार मुख्य कारण हेला परिचालनागत त्रुटि जेमिति जो 40 रूट्रु एयर इंडिया अधिक लाभ करूला ताहाकु बंद कर दियागला जहार फायदा नेले विदेशी कंपानी सेपर अधिक विमान क्रय एवं मिश्र प्रक्रिया एक क्षति को आहुरी बढ़ाई देला धीरे धीरे यह एमित अवस्था को आसीगला जे 2018 रे सरकार यह को बिक्री करने को निष्पत्ति नेले एयर इंडिया कंपनी 76% अंशधन बिक्री करने को 2018 रे उद्यम करते सेतेबेले केही आग्रह देखाई नथिले परे संपूर्ण बिकी देबाकु 2020 डिसेंबर मासरे विज्ञप्ति प्रकाश करागला नीलाम पई 4टी कंपनी आवेदन कले हेले टक्कर हेला टाटा सन्स ओ स्पाइस जेट मध्यरे आ शेषरे एयर इंडिया को पुणी थरे निज पाखु को फेरी पाइला टाटा पुरुणा साथी को निज पाखु को फेरी पाइबा परे टाटा खुशी हेबा स्वाभाविक हेले जेउं भली अवस्था रे एहा टाटा पाखु जाईथिला आ जेउं भली अवस्था रे एहा टाटा पाखु को फेरिछि सेथिले रहिछि अनेक फरक सेही समय रे एयर इंडिया रे केही प्रतिद्वंदी नथिले एहा एक लाभदायक स्थिति रे रहिथिला किंतु एबे विमान सेवा रे रहिछि टॉप कंपटीशन प्रश्न उठुछे एभली स्थिति रे एयर इंडिया को पुणि थरे लाभदायक साथी केमिति करिवे टाटा गरीब महाराजांक स्थिति सुधरिबो केमिति एयर इंडिया को टाटार योजना कौन केमिति लाभदायक अवस्था को फेरिबे महाराजा ए सब प्रश्नर उत्तर जानिबा पूर्वरु प्रथमे सुनि नियंतु एयर इंडिया को टाटा नेबा परे कौन रहिछे केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रतिक्रिया एही डील परे एयर इंडिया को कौन आशा रखिछंति केंद्र मंत्री I think it is a win-win situation for all stakeholders concerned, for the government, for the Tata Group, and most importantly, for our stakeholders, which is our customers in the civil aviation sector. A 69-year-old history, which was started on the wrong step by the nationalization of an airline that actually belonged in the private sector, which is going back today to the private sector. You will have a player with tremendous capabilities for international traffic, for domestic traffic, someone who, a party that probably has a game plan and a strategy to ensure the best value for our customers. And that's why I repeat what I said earlier, which is it will be a win-win position for all stakeholders in this industry. एयर इंडिया आगु को विश्वस्तरीय सुविधा प्रदान करिबा नै आशा रखिछंती केंद्रमंत्री एबासुंत नजर पकेबा एयर इंडिया को मेकओवर करिबा को टाटा रा योजना कण मिलिथिबा सूचना अनुसार एयर इंडिया रे आगु को यात्री देखिबे अनेक परिवर्तन स्मार्ट क्रू मेंबर स्मार्ट ड्रेस अप सहित चेकिंग रे यात्री को जेमिति अत्याधुनिक सुविधा सुजोग मिलि पारिबो ता उपरे ध्यान देबा टाटा यात्री नुहे अतिथि एयर इंडिया यात्रा करथुबा यात्री को यात्री नुहे बरम अतिथि भाव रे ट्रीट करिवे क्रू मेंबर खास सेथि पाई एहार इमेज एटीट्यूड एवं परसेप्शन उपरे काम करूछि टाटा
केवल सेतिकि नुहे यात्रीको सुरक्षा प्रति मध्य विशेष ध्यान दिया जिवो। उन्नत मानर खाद्य किसी फ्लाइट रे यात्री को मिलिबो उन्नत मानर खाद्य विशेषकर मुंबई रु दिल्ली मुंबई रु आबुधाबी और मुंबई रु बेंगलोर फ्लाइट रे यात्री को मिलिबो डिलीशियस फूड। विमान नेटवर्क बढ़िबो एयर इंडिया पाखरे रहिछि 200 एयरक्राफ्ट 80 डोमेस्टिक एवं अंतरराष्ट्रीय डेस्टिनेशन सेपरी टाटा पाखरे वर्तमान फुल सर्विस कैरियर भितरे एयर इंडिया और विस्तारा रहिछि सेपरी दुईटी कम खर्चरे यात्रा रे सुजोग प्रदान करथुबा एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया मध्य रहिछि तेणु यह बड़ नेटवर्क रो फायदा उठाई मार्केट रे निजर स्वतंत्र परिचय सृष्टि करबा लक्ष्य रे टाटा एयर इंडिया कुने एबे टाटा आखिरे अनेक स्वप्न जहां कि आउ किछि दिन मध्ये रे वास्तव रूप नै पारे हेले हा यात्री को एते आकृष्ट करि परुछे ताहा उपरे मध्य रहिबा समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। आपण जानंती कि भारत रे प्रथम थर एयर इंडिया केउ शहर रु केउ शहर को उड़ाण भरिथिला आउ किए थिले एहार सर्वप्रथम पायलट ब्रेक परे देखिबा एयर इंडिया रो एमिति किछि रोचक इतिहास संपर्क रे। एयर इंडिया यहा सहित जड़ित आमर इतिहास आउ स्वाभिमान आम देशर गर्व आउ गौरवर प्रतीक 1932 मसीह रे आकाश रु आरंभ होइतिबा एही यात्रा रे जोड़ी होई रहिछि इतिहास रो अनेक रोचक अध्याय। भारत को विश्वर प्रमुख शहर सह जोड़िबारे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि एयर इंडिया। स्वाधीनता संग्राम हेउ कि द्वितीय विश्वयुद्ध एहा सह जोड़ी होइछि अनेक स्मृति खास सेथि पाई तो एहा प्रतिटि भारतीयंक मनरे रहिछि एहाकु नै स्वतंत्र स्थान। तेबे आसंतु जानिबा सेही एयर इंडिया रो केमिति होइथिला शुभारंभ। ১৯৩২-২০২১ ৯৮ বর্ষর গৌরবময় ইতিহাস প্রথম ফ্লাইট করাচি বম্বে সেবেঠু আকাশে অনেক অভুলা মুহূর্ত অনেক অভুলা স্মৃতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধর অনেক অলেখা কাহাণী মুম্বাই রু মেলবোর্ন দিল্লি রু দুবাই সারা বিশ্বকু ভারত সহ জোড়ি আসিছি এয়ার ইন্ডিয়া। ১৯৩২ মসিহা স্বাধীনতা পাই জারি রহিথায়ে ভারতর সংঘর্ষ সারা দেশরে চালিথায়ে স্বাধীনতা লাগি আন্দোলন গান্ধীজিঙ্ক নেতৃত্বরে কোটি কোটি ভারতীয়ঙ্ক আখিরে থায়ে স্বাধীন ভারতর স্বপ্ন এহারি ভিতরে এক মজবুত ভারতর মূলদুয়া পকাই সারিথান্তি জেআরডি টাটা। ১৯৩২ মসিহারে টাটা এয়ারলাইন্স নাঁরে জেআরডি প্রতিষ্ঠা কলে এক বিমান কোম্পানি যে সময়ের ভারতীয় মানে ঠিক ভাবে রেলগাড়ি বি যাত্রা করার সুযোগ পাই নথিলে সেতবেলে করাচি রু বম্বের জুহু এয়ারপোর্ট কু উড়িলা এক ঐতিহাসিক বিমান জেআরডি টাটা নিজে থিলে এই বিমানর প্রথম পাইলট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সময়ের এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাইলা এয়ার ইন্ডিয়া রয়াল সেনাকু গোটিয়ে স্থানরু অন্য স্থানকু নেবা পাই হেউ কি শরণার্থীকু সাহায্য সেতবেলে টাটা এয়ারলাইন্স নাঁরে পরিচিত এয়ার ইন্ডিয়া নির্বাহ কলা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে স্বাধীন হেলা ভারত আউ তা সহ এহাকু পব্লিক লিমিটেড কোম্পানি ভাবে ঘোষণা কলা টাটা এয়ারলাইন্স আউ না পরিবর্তন করি রখা গলা এয়ার ইন্ডিয়া। ১৯৪৮ মসিহারে এহার 49% অংশধন অধিগ্রহণ কলে ভারতর সরকার সেই ১৯৪৮ হি এয়ার ইন্ডিয়া প্রথম আন্তর্জাতীয় উড়াণ বম্বে রু লন্ডন কু আরম্ভ হেলা। ১৯৫৩ কোম্পানির অর্ধাধিক অংশধন কিনিলে ভারত সরকার। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ এয়ার ইন্ডিয়াকু মিলিলা প্রথম বোয়িং বিমান যাহার না থিলা গৌরী শঙ্কর এহা প্রথম এশিয়ান এয়ারলাইন্স থিলা যেউথিরে জেট এয়ারক্রাফট উড়াণ করা যাইথিলা।
8 June 1960 कंपनी आनुष्ठानिक भाव एयर इंडिया नाँ नामित होला। 2000-2001 एयर इंडिया घरोईकरण आरंभ होला प्रयास। 2006 एयर इंडिया रे देखागला क्षति, विशेषकर 2007 इंडियन एयरलाइन सह मिश्रण पर अधिक क्षति रे चलिला एयर इंडिया। 2012 कंपनी व्यापार मंत्रालय एक कमिटी एयर इंडिया रो घरोईकरण लागि सुपारिश कला, तेबे सरकार कंपनी को 8 वर्ष भितर 30,000 crore टंकार आर्थिक सहायता देवा घोषणा कले। एहारी भितर एयर इंडिया को पुणि थरे लाभदायक स्थिति को आणिबा को मध्य हेला प्रयास, हेले सेतेबेळ को अनेक विलंब हो सारिथिला। 28 June 2017 कंपनी रो घरोईकरण करबा को घोषणा कले भारत सरकार। एथिपाई गठन हेला स्वतंत्र कमिटी। एमिति घरोईकरण नहीं समस्त प्रक्रिया सरिबा परे टाटा पाखकु पुणि थरे फेरिछि एयर इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। एयर इंडिया और भारत सरकारों पाखरे नाही सत, हेले एहा भारत ठारु दूरे जाइनी। समस्त भारतीयों से ही गोटे आशा, वर्ष वर्ष पूर्व जो भाई लाभ से चलुवा एयर इंडिया ठीक से ही भाई स्थित को चली आसु। निजर पुणा साथी को फेरी पाई टाटा यह आउ थ सफलतार शीर्ष को नहीं जातु। तेज समय सरी आज स्पेशल रिपोर्ट को यही रखा। नमस्कार।